फिर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हो गया है। अब इन अंडों के फॉसिल्स की जांच करवाने की बात कही जा रही है। दरअसल धार में पहले भी डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स मिले हैं और इसी के चलते वन विभाग धार के ग्राम बाग में डायनासोर जीवाश्म पार्क का निर्माण कर रहा है। अब डायनासोर के अंडों के नए फॉसिल्स मिलने के बाद वन विभाग के अमले के साथ ही डायनासोर में रुचि रखने वाले लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कुछ तीन महीनों से इसमें अनुसंधान मतलब जांच चल रही थी और नई साइट और नए इस तरह के फॉसिल्स की तलाश थी। इसमें बागनी नदी के किनारे तीन नेस्टिंग साइट्स मिली है और करीब 20-25 अंडे भी मिले हैं। ये पिछले मिले हुए अंडों से कुछ साइज में डिफर है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये मांसाहारी डायनासोर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।